अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक मरतबा फिर ये नई चीज़ आप लोगों की खिदमत में एक नए बिला के साथ हाजिर है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जितने भी मेरे बहन भाई और बुजुर्ग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं लगते, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर शुरू करते हैं जी आज के बिला। तो सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक, आज जुमा का दिन है और अभी नमाज़ का टाइम भी हो चुके हैं, तकरीबन एक बज चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे अभी नमाज़ की तैयारी वगैरह करनी है और फिर नमाज़ पढ़ने जाना है। तो अभी मैंने नमाज़ की तैयारी वगैरह कर ली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जी नमाज़ पढ़ने। मस्जिद हमारे घर ये काफ़ी करीब है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था। तो मैं मस्जिद के पास पहुँचने वाला हूँ, नमाज़ भी शुरू हो चुकी है, तो नमाज़ को मैं लेट हो चुका हूँ। तो भी मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा जी मस्जिद में। लेट हो गया क्या? हाँ। तो अभी मैं जुमा की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ जी वापस घर। फ़र्ज़ मैंने मस्जिद में पढ़े तो सुन्नत रहते हैं, तो जो नमाज़ अभी रहती है वो घर पर पढ़ूँगा। तो नमाज पढ़ के फिर खाना खाने, तो खाना मेरा खा के आप लोगों को फिर आगे का सीन बताता हूँ। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ जी, जिसने भी खाना है तो आ जाए। तो अभी मैं खाना मेरा खा चुका हूँ, दोस्तों के इंतज़ार में हूँ, दोस्त आएंगे तो तभी पता चलेगा कि क्या सीन हमारा आज का। अभी मैं आ चुका हूँ जी नुमान भाई की दुकान पर। नुमान भाई को आप पहले भी ब्लॉग में देख चुके होंगे, तो ये हैं जी नुमान भाई। तो नुमान जी क्या है, ठीक है? खैरियत जी, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्रिया जी अल्लाह का। आप सुनाएं कैसा गुजरा जुमा आज? बस जुमा ठीक ही गुजरा है, अभी नमाज पढ़ के आए हैं, डायरेक्ट मैं शॉप पे आया हूँ। हाँ, तो सरदार साहब किधर हैं? सरदार साहब तो काम पे गए हैं रात को, तो वो कह रहे थे कि मैं काम पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अचानक वो चला गया है, उसको बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सरदार साहब पूरा हफ्ता काम करते हैं, जुम्मे को छुट्टी करते हैं, तो सरदार साहब की वजह से हमारा जुम्मे बहुत ही अच्छा गुजर रहे, लेकिन आज हम सरदार साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा हर जुम्मे का टूर होता है, हम जाते हैं, लेकिन आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि सरदार साहब नहीं। क्यों? तो ये था जी मेरा छोटा भाई उज़ैमा, जो कि अभी गाँव गए। तो ये कल कह रहा था कि मुझे भी ब्लॉग में लेके आओ, तो आज मैं इसको ब्लॉग में लेके आया हूँ, तो ये शर्मा रहा था। चले गए जी गाँव, तो अभी मैं घर में अकेले ही हूँ उस वक्त। तो आज कहीं भी जाने का प्लान नहीं बना क्योंकि सरदार साहब भी काम पे गए हुए हैं। तो चलो देखते हैं शाम को, शायद कोई ना कोई प्लान बन जाए। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 6:07, मेरा गुजरा घर में ही बैठे बैठे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी बाज़ार, घर का थोड़ा सामान वगैरह लाने, तो चलिए चलते हैं जी बाज़ार की तरफ। मेरे साथ जा रहे हैं जी बाज़ार नुमान। तो शाम का वक्त है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो बाज़ार से सामान वगैरह भी लाने हम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत इन्जॉय करके भी आ जाएंगे। क्यों जी नुमान? हाँ बिल्कुल, हम अभी बाज़ार जा रहे हैं, मैं शॉप पे था तो थोड़ा सा तंग हो गया था, तो इस वजह से दिल किया कि बाज़ार में जाएं घूमने के लिए। हम लोग मौजूद हैं जी टाउनशिप में, जो सामान हमें चाहिए था वो तकरीबन सारा का सारा टाउनशिप से मिल जाएगा जी। जो सामान मैंने लेना था वो मैंने ले लिया है, तो अभी जाना है जी फूड हट पे। फूड हट यहाँ से नज़दीक ही है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी पे नहीं जा रहे, पैदल चल के जा रहे हैं जी फूड हट की तरफ।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी फूड हट पे, ऑर्डर वगैरह दे दिए, तो जैसे ही सामान तैयार होगा तो निकलेंगे जी घर की तरफ। जी उजैर भाई जो हमें फूड हट पे मिले, इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप ये मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं बाज़ार से सामान वाले के वापस आ चुका हूँ जी घर, और ज़ैमा भी गांव से वापस आ चुके हैं। तो ज़ैमा मुझे कल बोल रहा था कि मुझे भी व्लॉग में लाओ, तो आज ज़ैमा भी व्लॉग में आ गए। हेलो गाइस, कैसे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो किधर ही ख़त्म करते हैं जी, अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।